अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे 14 सितंबर को जारी होगा रिजल्ट। जी हाँ, कब तक हम अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक और देखिए नोटिस हम आपके सामने रखेंगे, जो मतलब आपकी जब नौकरी मिलती है तो उसके लिए एक PDF प्रॉपर जारी की जाती है। देखिए उसमें क्या क्या रहता है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, आपका नाम रहता है, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल या फीमेल, कैटेगरी दोस्तों लिखी रहती है OBC SC ST जो भी हो, ठीक है। अगर आपके पास स्पेशल रिजर्वेशन है तो वो भी यहाँ पर मेंशन रहता है, ठीक है। आपका दोस्तों गुणांक कितना बनना है, मतलब नंबर कितना बनना है, ठीक है। किसी बच्चे का 45 आएगा, किसी का 40 आएगा, और ये दोस्तों देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती। जी हाँ, इससे पहले जो हमारी वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश में, उसका रिजल्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। 1,46,000, ठीक है, 60 बच्चे वैकेंसी में पास हुए थे, जिसमें से DLED के छात्रों की संख्या मात्र 38,610 थी। तो बिहार शिक्षक भर्ती में 3,80,000 DLED के अभ्यर्थी हैं, जिसमें दोस्तों लगभग 33% छात्र बिहार से हैं, बाकी अन्य सभी बच्चे दूसरे राज्यों से। सिंपल सी बात है, इस वैकेंसी में आरक्षण के तहत देखा जाए तो कटाव बहुत ही कम जाने वाली है। एक बात और आपको बता दें, जब दोस्तों आप लोग का गुणांक तय किया जाता है, आप लोग के नंबर तय किए जाते हैं, तो सिंपल सी बात याद रखिए, नंबर आप यहाँ पर देखें 66.48 सभी बच्चों का दिख रहा है, लेकिन ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों सबसे ऊपर रैंक किसको दी गई, जैसे यहाँ पर 1 नंबर है, इसमें रैंक दोस्तों उनकी बनी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1988 है। उसके बाद देखिए 1990 डेट ऑफ बर्थ आ गई, 1991 पहुंच गई, नंबर सबका सेम है। तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, अगर आपकी एज 24 साल है और आपके दोस्त की एज 25 साल है, तो पहले नौकरी किसको मिलेगी, 25 साल वाले बालक को मिलेगी, ठीक है ना, इसको हमें ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद एक और बड़ी अपडेट कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत से बच्चे परेशान थे, लास्ट टाइम आ चुका है, अब हम आपको बता देते हैं फाइनल कट ऑफ हमारे लिए क्या जा सकती है। जी हाँ, जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते, जो बच्चे बिहार के स्थायी निवासी हैं, एक और अपडेट हम आपके सामने रखे। पहले फर्जीवाड़ा देख सकते हैं, बिहार टीचर रिक्रूटमेंट मतलब TRE मतलब आरक्षण का लाभ लेने के लिए UP के अभ्यर्थियों ने बनाया फर्जी प्रमाण पत्र, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों ने उत्तर प्रदेश के भी ऐसे हैं जो बिहार का निवास प्रमाण पत्र बना लिए होंगे। देखिए जब आपके पास वहाँ का निवास प्रमाण पत्र है तो सिंपल सी बात है, वहाँ के आप आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं, चाहे OBC कैटेगरी हो, चाहे SC कैटेगरी हो, चाहे ST हो, ठीक है, चाहे EWS कैटेगरी हो। तो इसीलिए बहुत से लोगों ने फर्जी आरक्षण सर्टिफिकेट बनवा लिए, तो उसकी जाँच भी होना जरूरी है। जल्दबाजी में नौकरी या दोस्तों सीट्स अलॉट जो भी होता है हो जाएगा, लेकिन बहुत से बच्चों की नौकरी खतरे में आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए होता है जो बच्चों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाएंगे उनकी नौकरी लगेगी और बहुत से बच्चे बाहर होंगे। शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, जी हाँ दोस्त ये अपडेट आपके सामने है। जी हाँ ठीक है, UP के अभ्यर्थियों का फर्जी प्रमाण पत्र, अभी पूरी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन BEd के छात्रों ने क्या किया वो भी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, KVS शिक्षक भर्ती, जी हाँ KVS से भी आपको पता है कि PRT में BEd के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। तो अब बच्चे क्या करने की सोच रहे हैं, जरा देखिए, जब KVS का पोर्टल ठीक है हो रहा है तो सभी BEd की जगह BTC अपडेट कर दो और इंटरव्यू देने जाओ ही ना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बच्चों ने मतलब ये सोचा कि चलो अब BEd को हम BTC में बदल सकते, तो सिंपल सी बात है कि भैया जो BEd के अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी तो वैसे भी लगनी नहीं है, तो उसको BTC में बदल दो, ताकि दोस्तों जो DLED की कट ऑफ जाएगी ना, शिक्षक भर्ती की जो कट ऑफ जाए वो हाई चली जाए और बहुत से बच्चों को सिलेक्शन रुक जाए। देख सकते हैं, देखें सभी BEd वाले अपना फॉर्म करेक्शन करके DLED कर लें, जिससे कट ऑफ हाई जाएगा, होना तो हम लोगों का वैसे भी नहीं है, और ये जो 120 नंबर लेकर बहुत खुश हैं और मजे ले रहे हैं, इनको सबक जरूर मिलेगा। ये दोस्त मतलब BEd के कैंडिडेट्स ऐसा सोच रहे हैं या जो भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जितने लोग BEd KVS में एग्जाम दिए हैं सब करें तब होगा, एटलीस्ट इस ग्रुप के तो सभी लोग कर ही लें, ठीक है, सबके अच्छे नंबर हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मतलब नंबर को मेरिट को हाई करने के लिए बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं, ठीक है, खुद की नौकरी ना लगे तो किसी और के बिना लगने दें। आज दोस्तों क्या हमारा रिजल्ट जारी हो जाएगा, उम्मीद दोस्तों पूरी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमारा DLED का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। आपको बता दें 38 नंबर की बात क्यों होती है, देखिए 37 नंबर पर सिलेक्शन क्यों संभव नहीं हो पा रहा है, उसका एक रीजन है 38.40। देखिए दोस्तों, जो हमारी SC और ST कैटेगरी की जो पासिंग नंबर रखा गया वो 32%,
अगर दोस्तों हम 120 का 32% निकालते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना आता है, 38.40 आता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये बात रखी जा रही है। तो देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% सीटें आरक्षित होती हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला, पिछड़ा वर्ग, फिर पिछड़ा वर्ग की महिला, अनुसूचित जाति पुरुष, अनुसूचित जाति महिला, सबके लिए अलग अलग सीटें आरक्षित की गई हैं। कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, वो दोस्तों अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में आनी चाहिए। बहुत से बच्चों को लग रहा था कि सर क्या उनको मेल कैटेगरी में रखा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। जब वो फीमेल कैटेगरी तो फीमेल में ही आएंगी। और देखिए आपको बता दें, महिला कैटेगरी में भी जो फीमेल कैटेगरी सिर्फ पासिंग नंबर ला रही 48 नंबर के आसपास, उनकी भी नियुक्ति पत्र संभव, उनकी भी नौकरी मान के चलिए 99% श्योर है, वो भी नौकरी करने जा रही है। जी हाँ दोस्त, एक बात और बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीलेट बच्चों को नौकरी लेना बेहद जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि अभी जो हमारी अगली वैकेंसी आ रही ना, उसमें दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए नहीं आएगी वैकेंसी। तो जो बच्चा इस बार नौकरी नहीं पाएगा, फिर उसको लंबे समय के लिए बेरोजगार होना पड़ेगा। तो एक एक सीट का हिसाब आप लोग रखिएगा, कहीं पर कोई फर्जीवाड़ा ना होने पाए। देख सकते हैं पूरी अपडेट क्या है। पहले अक्टूबर में आने वाली वैकेंसी में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की रिक्ति नहीं आएगी। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है। अभी 1,70,000 शिक्षक भर्ती के दौरान 6 से 8 तक की कक्षाओं के शिक्षक पदों की रिक्ति नहीं थी, ठीक है, इसलिए 6 से 8 तक की रिक्ति अधिक होगी। 6 से 8 तक में लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी। 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, 15 अक्टूबर तक की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तैयारी शुरू कर लीजिए। देखिए कोई नहीं, भर्ती तभी आती है जब लास्ट वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो अब दोस्त ये वैकेंसी लगभग लगभग अपने फाइनल दौर में आ चुकी है। अब किसी भी समय, ठीक है, इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तैयार रहिए। हमने कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया जहां से आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और वीडियो के अंत में भी हम दोस्तों आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे कि रिजल्ट डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो इस समय दोस्तों धांधली का एक नया फर्जीवाड़ा करने का दौर शुरू हो गया है। क्या बीएड छात्रों की सीट होल्ड की जाएगी? देखिए सीट होल्ड करने का कोई मतलब नहीं। आपको बता दें सीट होल्ड करने से क्या होगा। हम कह रहे हैं 25% सीटें होल्ड कर देंगे, होगा क्या? ना ये डीएलएड बच्चों को नौकरी देंगे, ना बीएड कैंडिडेट्स को देंगे, ठीक है। 20,000 बच्चों को नौकरी से रोका जाएगा। उनको हो सकता है 6 महीने के बाद नौकरी दे, 1 साल के बाद नौकरी दें। तो कम से कम देखिए दिक्कत क्या आती है, उनके प्रमोशन में दिक्कत आती है क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग लेट से होगी। और उन जो बच्चे उनके साथ ही रहेंगे, पहले ज्वाइन कर लेंगे, वो सीनियर हो जाएंगे, आप जूनियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग की सैलरी नहीं मिलेगी। दीपावली आ रही है, नौकरी लग जाती है, कम से कम आपको कुछ बोनस भी मिलता है, ठीक है ना। बीएड रिजल्ट पर दोस्त रोक लगा दी गई, सिंपल सी बात है। तो अब बीएड छात्रों के लिए जो बड़ी खुशखबरी यही है कि जूनियर में एक बड़ी वैकेंसी आ रही है। देखिए जो जूनियर में वैकेंसी है कि डीएलएड छात्रों के पास भी मौका, याद रखिएगा डीएलएड के बच्चों को भी 6 to 8 में पेपर देने का मौका मिलता है और बीएड कैंडिडेट्स को भी यहाँ मौका मिलेगा। तो डीएलएड और बीएड दोनों अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, तो सभी बच्चे तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है ना। और 9 से लेकर 12 तक में जो वैकेंसी है कि भैया वहाँ तो बीएड का बोलबाला रहेगा, वहाँ डीएलएड के बच्चे नहीं जाएंगे, तो बीएड के लिए भी अच्छा विकल्प। ऐसा नहीं कि बीएड के छात्र परेशान है। एक बात और समझ लीजिए, न्यूनतम अंक में भी छूट देने पर चल रहा है विचार। अभी सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्थांक है, ठीक है। लेकिन कुछ रीति का 75% रिजल्ट देने के लिए न्यूनतम अंक को भी कम किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। अब अर्हता देख लीजिए, 6 से 8 में क्या लगेगा आपका, वही ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीटेट या टेट और बीएड या समकक्ष, ठीक है। तो बीएड या समकक्ष में दोस्तों यहाँ डीएलएड का नाम नहीं लिखा, तो डीएलएड के अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे। एक और बात आपको बताते हैं, अभी एक और बड़ी खबर आई है। पॉलिटेक्निक के पेपर में क्या हुआ कि उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर लिखने वालों को छात्रों को 0 अंक दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पर आपके सामने हैं, ठीक है। मूल्यांकन केंद्र से वीडियो कॉल पर कॉपी दिखाने के प्रकरण में दूसरी कार्रवाई की गई। तो ये सब बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहले अतुल सर क्या करें, उनका लाइव ट्वीट देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें, हमने यूट्यूब पर आप लोगों से एक सवाल पूछा था। देखिए सवाल क्या था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के पहले सीटेट का एग्जाम होना चाहिए या नहीं। अब देखिए आप लोग के कमेंट्स क्या आ रहे हैं, 7,400 बच्चों ने यहाँ पर वोट किया है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 7,400 में से मात्र
127 बच्चे, 126 बच्चों ने एक तो हमारा ही लाइक है, तो लाइक भी दोस्तों आप लोग कर दिया करिए, कम से कम 10% बच्चे लाइक करें तो 700 लाइक होता है यहाँ। ठीक है, तो देखिए कुछ बच्चों ने क्या कमेंट लिखा उसको जरा देखते हैं कि पेपर होना चाहिए कि नहीं। हमने एक सवाल पूछा था आपसे, देखिए नहीं होगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, एक तो ऐसे ही बीएड वाले पीआरटी से बाहर हो गए हैं और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई भी नहीं है, दिसंबर सीटेट वालों को चांस देना चाहिए, कुछ कीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर बीपीएससी चाहे ना तो सीटेट अपेयरिंग छात्रों को भी मौका दे सकती है। अपेयरिंग का मतलब ये रहेगा कि जो सीटेट में हमारा दिसंबर में एग्जाम होगा, सीटेट का देखिए पेपर अब दिसंबर में होगा, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन करते हैं जरा। देखिए आप लोगों के लिए बिल्कुल सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मिल सके, ठीक है ना। तो अब पेपर होना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो सच में बहुत से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 52,000 एक बड़ी शिक्षक भर्ती आ रही है, यहाँ पर डीएलएड और बीएड दोनों अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों अगला कमेंट आता है दीपक जी का कि होना चाहिए सर, नहीं तो हम लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, प्लीज हेल्प। सीटेट क्या आफ्टर बीपीएससी TRE 2.0 होना चाहिए, ठीक है, यस होना चाहिए। देखिए सभी बच्चों को, अपीयरिंग वालों को भी मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, सीटेट अब दिसंबर में होगा। देखिए एक बच्चा कह रहा नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले जिन्होंने कर रखा है उन्हीं को जॉब मिलना चाहिए, ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो सभी को प्रॉब्लम होगी, बाकी लोग बाद में होंगे तो उनको भी फायदा होगा। देखिए आपको एक बात बताना चाहेंगे, अभी दोस्तों हाल ही में जो लास्ट यूपी में एक वैकेंसी आई थी, ठीक है, जूनियर के लिए 6 to 8 वैकेंसी आई थी दोस्तों, जहां पर पासिंग मार्क में मात्र 40 से 50 हजार बच्चे आ रहे, जिसमें डीएलएड और बीएड दोनों अभ्यर्थी शामिल थे, डीएलएड बीएड टोटल मिला ले तो भी 40 से 50 हजार बच्चे ही पास हो रहे हैं। तो आपको बता दें भैया जूनियर में इतना आसान आपको नहीं रहेगा, और बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका जूनियर का पेपर 2 क्लियर है, ठीक है। तो किसी भी कीमत पर दोस्तों पेपर होकर रहेगा, आपको बता दें, या तो बिहार टेट का एग्जाम होगा लेकिन उसमें बिहार के बच्चों को फायदा होगा, जो बच्चे अदर स्टेट से आते हैं, ठीक है, मान लेते दोस्तों आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप लोग राजस्थान से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, झारखंड से आते हैं, असम से आते हैं, कहीं से भी आते होंगे, तो अगर आपको बिहार शिक्षक भर्ती में मौका चाहिए तो आपका सीटेट क्लियर होना जरूरी है। अब आपको एक बात और बता दें, देखिए फेक मेरिट कैसे तैयार होती है, डीएलएड में एडमिशन का जब प्रोसेस एक बार चल रहा था तो सभी बच्चों ने टोटल परसेंटेज, इस बार तो डीएलएड के भी यूपी में ठीक है पीडीएफ जारी नहीं की गई, लेकिन जब जारी की गई थी तो वहां पर देखिए 300 में से 300 नंबर दोस्तों कितने बच्चों के आए थे, लगभग 9 बच्चों के नंबर। क्या ऐसा पॉसिबल है आप लोग बताइए, किसी बच्चे के हाई स्कूल में 100% हो सकते हैं, चलिए मान लेते हैं हाई स्कूल में, क्या उसी बच्चे का फिर इंटर में भी 100% होगा, चलिए मान लेते हैं इंटर में भी, क्या ग्रेजुएशन में भी 100%। जी हाँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ तो फर्जीवाड़ा हुआ है। तो ऐसे दोस्तों मेरिट को हाई किया जाता ताकि जब पहले काउंसलिंग हो, पहले जिन बच्चों को मौका मिले उसमें आपका नाम ना हो, आपकी नौकरी में 6 महीने 1 महीने 1 साल लेट हो जाए उससे आपका नुकसान होगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें, तो एक और दोस्तों अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, पहले अतुल जी का दोस्तों ट्विटर हैंडल देखते हैं, क्या उन्होंने कोई नया ट्वीट किया अभी तक दोस्तों, नहीं हुआ ठीक है देख लेते, बिल्कुल रिफ्रेश करके आपके सामने लाइव देखेंगे। 11 घंटे पहले दोस्तों जो इन्होंने ट्वीट किया तो वो हमने आपके सामने भी रखा था, ठीक है, कोई नया ट्वीट आता तो उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले देंगे। और देख सकते हैं पाकिस्तान इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो भी हमारे देश में, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई, चलिए अगला कमेंट देखते हैं। बीटेड भी होना चाहिए, अभी एक का रिजल्ट तक नहीं आया तो दूसरा इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, देखिए रिजल्ट जानबूझकर लग रहा है इस बार नहीं दिया जा रहा, नहीं तो सीटेट कभी इतना लेट नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों वाकई एग्जाम आपने दिया होगा, लेकिन सीटेट के एग्जाम में पहली बार हम खुद आपको बताते, पहली बार हम देख रहे हैं, आज 14 तारीख हो गई, बताइए दोस्तों 20 अगस्त को पेपर हुआ था, ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा बीपीएससी का एग्जाम होता है 24-25 अगस्त को, बीपीएससी की आंसर की जारी कर दी जाती है, ठीक है, आंसर की आ गई, फाइनल आंसर की के साथ आज हो सकता है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए, लेकिन सीटेट का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पूरा समय दिया जाएगा, सीटेट की लापरवाही सीबीएसई की लापरवाही के चलते आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के दोस्त हमारी जो कट ऑफ है, कुछ बच्चों के चलते कट ऑफ हाई जा सकती है, लेकिन जब उन बच्चों को निकाला जाएगा, उन फर्जी बच्चों को निकाला जाएगा, तो जो हमने आपको बोला था कि आप 38 नंबर तक सिलेक्शन ले जाएंगे, SC ST कैटेगरी में आप देख लीजिएगा, 38 38 नंबर तक बच्चे नौकरी ले जाएंगे। अब 38 के नीचे नंबर क्यों नहीं जा सकती कट ऑफ, उसका रीजन ये कि इन्होंने भैया पासिंग मार्क तय कर दिए, कि SC ST में 32% पासिंग मार्क का मतलब होता है 38.40 नंबर, ठीक है, लेकिन आपको बता दें अगर उतने बच्चे इनको नहीं मिल पाएंगे तो इस कटाप को भी कम किया जा सकता है,
फीमेल कैंडिडेट्स में सबसे कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। इसलिए ठीक है, कोई लड़कियों को बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं, चाहे वो अदर स्टेट की लड़कियां हो चाहे बिहार की हो, ठीक है ना। बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आराम से आपको नौकरी मिलेगी, बहुत ही आराम से, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स में भी बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के चक्कर में आपकी कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। बच्चों ने दिमाग क्या लगाया, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, उन्होंने दिमाग ये लगाया कि जो बच्चे बी एड कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जब आपको डी एल एड ठीक है सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया गया, तो बहुत से बच्चों ने डी एल एड अपेयरिंग डाल दिया होगा, कुछ ना कुछ तरीका अपना लिया, क्योंकि ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो बाद में वेरीफाई किए जाएंगे, ऑनलाइन कोई नहीं चेक करने जा रहा कि क्या आपने क्या नहीं किया, ठीक है ना। तो इसको लेकर दोस्तों बच्चे आप दिल्ली में धरना भी दे सकते हैं, केवीएस को लेकर, केवीएस में पीआरटी, ठीक है, जहां पर बीएड के बच्चों ने काफी बड़ी संख्या में उसको बदल रहे हैं, मतलब अपने बीएड को डीएलएड कर रहे हैं, ताकि दोस्तों मेरिट लिस्ट हाई जाए। वो जान के उनका तो होगा नहीं, अपना नहीं होगा तो तुम्हारा भी नहीं होने देंगे, बस यही बात चल रही वहां। अब देखिए बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती का ठीक है वेतनमान मंजूर किया गया है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, 40,000 पर रहेगी प्राथमिक में 1 to 5 क्लास के लिए, जब 6 to 8 क्लास में जाएंगे तो आपकी सैलरी 45,000 हो जाएगी। अगर हम आपसे एक बात करें, किसी बच्चे के चलते कोई बच्चा फर्जी डिग्री या कुछ भी लगा रहा है उसके चलते अगर आपको 6 महीने बाद सिलेक्शन मिलता है, तो आपका टोटल नुकसान कितना होगा, 40,000 के हिसाब से 2,40,000, तो सोचिए लगभग 2-2.5 लाख का आपको नुकसान करवा देंगे ना। और एक बात आपको और बता दें, आज इस वीडियो के अंत में, वीडियो कंप्लीट होने से पहले आपको बताते चले, अगर एक बार आपको नौकरी नहीं मिलती तो दोबारा कब नौकरी मिलेगी, भगवान भरोसे, ठीक है ना। तो भगवान भरोसे रहेंगे तो बीटीसी और डीएलएड के छात्र वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को जागरूक कर दीजिए, नहीं तो कल को कहेंगे सर जी आपने तो बताया था कि 40 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा, हमारा 45 नंबर पर नहीं हुआ, तो फिर समझ जाएगा कुछ ना कुछ खेल कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि आरक्षित वर्ग में कट ऑफ कभी भी ज्यादा नहीं जाती। ये 269,000 शिक्षक भर्ती की कट ऑफ इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोस्तों आप जहाँ जगह ओबीसी ही नाम देख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आरक्षण घोटाला होने के बाद एक नई चयन सूची जारी की गई थी, जहां पर ओबीसी और एससी कैटेगरी के बच्चों को मौका मिला, ठीक है। एससी कैटेगरी की भी कट ऑफ है, लेकिन हमने सिर्फ 20-22 बच्चों का दिखे, 21 बच्चों का ही नाम दिख रहा है, और इसमें दोस्तों आपको बता दें 6,800 पदों पर यह चयन सूची जारी हुई थी। सोच सकते हैं दोस्तों, आप लोग समझिए पहले आप लोग, कि जनरल कैटेगरी में सबसे कम बच्चे पास हुए थे, देखिए 36,614, 84,000 बच्चे ओबीसी में पास हुए, उसके बाद घोटाला किसमें होता है, ओबीसी और एससी कैटेगरी में, कितने पदों पर, 19,000 पदों पर, फायदा किसको मिलता है, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बिहार शिक्षक भर्ती में भी, ठीक है। लेकिन आपको बता दे बच्चे तुरंत तो नहीं निकालते, लेकिन बाद में एक एक पदों का ब्यौरा होगा, 79943, ठीक है ना। अगर किसी को लग रहा है कि वो फर्जी डिग्री लगाकर, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर, बिहार के निवासी बनकर बाहरी राज्य के बच्चे नौकरी ले लेंगे, तो भूल जाइए। याद रखिएगा दोस्तों एक बात और, जो बच्चा यूपी से डीएलएड किया है अगर वो बिहार का निवासी है तो भी फंसेगा, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के लिए यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आप ये सोचिए कि आपने यूपी से डीएलएड कर लिया और बिहार का मतलब सर्टिफिकेट लगाकर फायदा देखना चाहते कि मैं आरक्षण में फायदा मिले, तब भी आप फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि परमानेंट एड्रेस कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा, वो स्थायी पता है और एक अस्थायी पता होता है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, फिलहाल आज रिजल्ट जारी हो सकता है, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से या कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से अपडेट सामने आई थी, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तो आपका दिन शुभ हो।